नमस्कार दोस्तों, WHO जल्द ही एक आर्टिफिशियल स्वीटनर अस्पार्टेम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस घोषित करने जा रहा है, यानी कि कैंसर कॉजिंग ह्यूमंस को, वो प्रोडक्ट जो ह्यूमंस को कैंसर कर सकता है। अब क्या है अस्पार्टेम? अगर हम देखें तो बहुत ही रिसर्च के बाद सन 1981 में अमेरिका की FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसने इस प्रोडक्ट को, अस्पार्टेम को यूज़ करने की अनुमति दी थी, और उसके बाद आज तक 100 से ज़्यादा देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, भारत को मिलाकर, ये प्रोडक्ट एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो यूज किया जाता है। ये प्रोडक्ट ना, इसका जो आविष्कार है वो बहुत ही दिलचस्प है। जेम्स एल श्लेटर, वो अल्सर के लिए एक दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1965 की बात है, वो अल्सर के लिए एक दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी जो उंगली है उसको लिक किया, तो उनको ना बहुत मिठास सी महसूस हुई। जी हाँ, वो चीज़ जो उन्होंने लिक की वो क्या थी? अस्पार्टेम। दोस्तों, जितने भी हमारे डाइट कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, शुगर फ्री आइसक्रीम्स हम यूज़ करते हैं, शुगर फ्री च्यूइंगम्स हम जो है कंज्यूम करते हैं, इन सभी में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, शुगर की जगह जो मीठास पैदा करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो अस्पार्टेम ही है दोस्तों। जी हाँ, इतनी जगह जितनी शुगर फ्री चीज़ें यूज़ होती है ना, मिठास तो उसमें आती होती है, मिठास का कारण क्या है? अस्पार्टेम। जी हाँ, अस्पार्टेम। देखा जाता है कि 1 ग्राम अस्पार्टेम वो उसकी जो स्वीटनेस की इंटेंसिटी है, मतलब मिठास पैदा करने की जो शक्ति है, वो 8 ग्राम नॉर्मल शुगर के बराबर है। इतनी मिठास पैदा करती है। जी हाँ, कहाँ, 1 ग्राम अस्पार्टेम वो इतनी मिठास पैदा करती है जितना 8 ग्राम शुगर करती है। ये भी देखा जाता है, हम डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक होती है 350 ml के कैंस वगैरह आते हैं ना, उनमें बोला जाता है कि इतनी शुगर है जितनी 10 चम्मच शुगर के बराबर। बट हम डाइट कोक में भी, को भी अगर देखें, उसमें भी जो कैलोरीज होती है 7 किलो कैलोरीज या 7 किलो कैलोरीज जो एनर्जी होती है, लिखा तो होता है 0 कैलोरी 0 कैलोरी, पर 0 कैलोरी कुछ नहीं होता। अब अस्पार्टेम केमिकली देखा जाए तो क्या है? अस्पार्टेम असल में डाइपेप्टाइड है 2 अमाइनो एसिड का। 2 अमाइनो एसिड्स, नेचुरल जो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से? एल अस्पार्टिक एसिड, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और एल फिनाइल एलामीन, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एल अस्पार्टिक एसिड और एल फिनाइल एलामीन। और अस्पार्टेम क्या होता है? That is a methyl ester of dipeptide of 2 natural amino acids, L aspartic acid and L phenylalanine. एक methyl ester है, ठीक है, 2 amino acids का। आशा रखता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।